कौन हो तुम? मैं यहाँ रहती हूँ। और कौन कौन है घर पे? मेरे पापा है और वो आते ही होंगे, उनके पास गन है। अच्छा गन? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। प्लीज डोंट किल मी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज डोंट किल मी। सच बता, कौन कौन है घर पे? मैं सच बोल रही हूँ, घर पे कोई नहीं है। कोई नहीं है? मुझे मत मारना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। झूठ बोल रही है तू। मुझे मत मारना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज। रिलैक्स, मैं कोई चोर और मर्डरर नहीं हूं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझे ये सब करना पड़ता है। क्या नाम है तुम्हारा? ईसा। ईसा, यू आर ब्यूटीफुल गर्ल। आई एम जिमी। लीसा लिसन, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मैंने कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। देखो मेरे बैग में कुछ नहीं है। देखो, क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, मुझे किसी भी तरह इसको रोकना पड़ेगा। कॉफी पियोगे? हाँ ऑफ कोर्स, मुझे कॉफी बहुत पसंद है। मैंने तुम्हें डराया तो नहीं ना? अगर डराया तो सॉरी। ईसा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं कॉफी लेके आती हूँ और चेंज भी करके आती हूँ। अरे रुको, तुम इसमें ही अच्छी लग रही हो। नो, आई एम नॉट कंफर्टेबल। मैं चेंज भी करके आती हूँ और कॉफी भी लेके आती हूँ। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, मैं वनमन साहब बंगलो नंबर 14 से बात कर रही हूँ। मेरे घर में चोर घुसा है, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। जी हाँ, वनमन साहब बंगलो नंबर 14, मैं घर पे अकेली हूँ, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। जी हाँ, मैं फ़ोन रख रही हूँ, आप जल्दी आ जाइए। ये सब अजीब है ना, लेकिन मैंने सोचा था कि ऐसी मुलाकात कभी हो। सच बताओ, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कभी किसी चोर के साथ, सॉरी यार, किसी के साथ ऐसे बातें करूंगी। अगर तुम मुझ पे भरोसा करती हो ना, तो आज से मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने को तैयार हूँ। तुम पे भरोसा करना ठीक रहेगा? एक्सक्यूज मी, मैं भी तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ कि आई एम कैपेबल फॉर यू।
ये नहीं पॉसिबल, सिर्फ 5 मिनट की कन्वर्सेशन में। प्लीज नाराज मत हो अजय, मुझे समझने की कोशिश करो, पहले हम एक दूसरे को जान तो ले। मुझे माफ करो, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूं। क्या तुम सभी लड़कियों के साथ ऐसे हो? एक्सक्यूज मी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, आई लॉस्ट माय माइंड। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं? हैंड्स अप, कोई गलती मत करना। आपने कितनी देर कर दी आने में, इतनी देर में तो मैं सब कुछ भी कर सकता था। एक्सक्यूज मी मैडम, वैसे तो हम 10 मिनट में ही आए। क्या पुलिस तुमने बुलाई? हाँ, मैंने ही कॉल किया था पुलिस को। क्यों, किस लिए, क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि चोर की जगह जेल में रहती है। लिसा, तुम मेरे लिए एक ब्यूटीफुल एंजल थी, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक चोर के साथ डेट करूं? मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने तुम्हारे घर से कोई चोरी नहीं की, कुछ नहीं लिया, लेकिन तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? इसीलिए कि मैं तुम्हारे करीब आया? I don't know, जैसे तुम समझो। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपनी बकवास बंद कर और चलो मेरे साथ। पागल है।